देखो क्वेश्चन है, कैपेसिटर रेजिस्टर आर कनेक्टेड विद एसी सोर्स, तो ये ना पैरेलल में है, जरा ध्यान से देखना। और दूसरा ये भी ध्यान से देखना, नीचे एसी सोर्स है, डीसी नहीं है अब ये, अब ग्रोथ ऑफ करंट नहीं है। अब ये वापस आ जाओ फेजर के ऊपर जो एनसीईआरटी में किया था, अब ये ऑल्टरनेटिंग करंट्स हैं, ठीक है, लेकिन पैरेलल में है ये। हमने ज़्यादातर क्वेश्चन सीरीज में किए थे, ये पैरेलल में है। आपको एक्स सी और आर इस क्वेश्चन में गिवन है, आपको बताना है फेज डिफरेंस बिटवीन आई टू आई वन क्या होगा। एक ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें समझने वाली है, ये समझ लो, इम्पॉर्टेंट ये है इसमें कि अगर आप एलसीआर सीरीज में करते हो, अगर आपको याद हो सीरीज के अंदर हमने क्या किया था, सीरीज के अंदर करंट की वैल्यू क्या रखते हैं, सेम। एल और सी और आर में अगर ये सीरीज में है तो करंट सेम रहेगा, और वोल्टेज में रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट सेम फेज में है, इंडक्टर में वोल्टेज आगे है, कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे है, ऐसा बनाया था हमने। अगर मैं यही क्वेश्चन पैरेलल में पूछूं, एलसीआर अब पैरेलल में है, तो एलसीआर अगर पैरेलल में है तो ये नहीं बनेगा फेजर, पता है क्या बनेगा, वी को चेंज नहीं करना क्योंकि पैरेलल में वी की वैल्यू रिमेंस सेम, करंट आगे पीछे करना है, जैसे करंट रेजिस्टर में आईआर हो जाएगा, कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से आगे हो जाएगा, और इंडक्टर में करंट वोल्टेज से पीछे हो जाएगा, तो ये इंडक्टर है, ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो ये फेजर जो काम करेंगे अब करंट में करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो जब एलसीआर सीरीज में है तो वोल्टेज में फेजर बनने वाले हैं, और अगर पैरेलल में है तो फिर करंट की वैल्यू ऐसे सॉल्व होगी कि वी सेम रहेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बेस पे। कैसे? आपको क्वेश्चन में आई वन आई टू की वैल्यू बतानी है। अब ये तो आपको पता है कि आई वन आई टू क्या होगा, V तो सेम ही रहेगा जो भी रहेगा, मान लो RMS वैल्यू इसमें V है, V डिवाइडेड बाय XC, I1 क्या रहेगा, V डिवाइडेड बाय R, XC और R तो गिवन है, I1 I2 आ गया, I1 I2 आ गया, आपको एंगल निकालना है। तो अभी हमने क्या क्या देखा कि V की वैल्यू को चेंज नहीं करना, जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो V की वैल्यू रिमेन सेम, रजिस्टर का करंट और वोल्टेज सेम फेज में है, और कैपेसिटर का करंट आगे है, तो ये रजिस्टर का करंट है, ये कैपेसिटर का करंट है, ये रहा, और इनमें फेज डिफरेंस क्या है, phi, tan phi क्या होगा, I2 डिवाइडेड बाय I1, तो I2 पता है, I1 पता है, सॉल्व करके tan phi की वैल्यू क्या आ गई, 4 by 3, और मैथ्स में अगर tan phi 4 by 3 है, तो phi की वैल्यू क्या होती है, 53 डिग्री। और मेथड समझ में आ रहा है कि करंट की फॉर्म में कैसे वेक्टर्स बनेंगे, इसमें पैरेलल में करंट में वेक्टर बनते हैं और सीरीज में वोल्टेज में वेक्टर बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीन चार क्वेश्चन आएंगे स्पेस पे, करंट के वेक्टर बनाएंगे हम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, शायद मैंने इसका गलत ऑप्शन, ये तरीका गलत किया हुआ है, आप इस एक्सप्लेनेशन में मत जाना, अपना आंसर दे क्या होगा और क्यों होगा। तो एक सर्किट है जिसमें R और L गिवन है, एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज V नॉट साइन ओमेगा T को अप्लाई किया, करंट और R और L में क्या होगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए। कितने लोग एग्री करते हैं इसका आंसर A हो सकता है, क्योंकि सीरीज में करंट की वैल्यू रिमेंस सेम, सीरीज के अंदर याद रखना करंट सेम रहता है। और कितने लोग कहते हैं नहीं सेम नहीं है, कुछ और आंसर भी लग सकता है, क्या होगा आंसर आपके हिसाब से, करंट क्या होगा,
बी नहीं हो सकता ना, करंट तो सेम ही रहेगा, तो सेम करंट ये तो होगा नहीं ना, तो डिफरेंट लग ही रहा है। अगर वैसे बात करें तो आंसर ए लगता है कि करंट सेम है, बी और सी तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि इंडक्टर में और इसमें रेजिस्टर में करंट सेम है ही नहीं बी और सी में। ए ऑप्शन क्यों नहीं होगा? आंसर इसका डी है, पर मेरी एक्सप्लेनेशन गलत है, मैं एक्सप्लेनेशन सही दूंगा अभी। तो इसका आंसर बताओ कि डी है, लेकिन क्यों? अच्छा ये बताओ कि करंट फिर होगा क्या, ये बता दो करंट होगा क्या, ये तो होगा नहीं, क्या होगा? आई नॉट नहीं होगा। अगर आई नॉट साइन ओमेगा टी होगा, वी वी नॉट साइन ओमेगा टी, आर इज आर आई नॉट साइन ओमेगा टी, सेम फेज में, तो इंडक्टर में तो सेम फेज में होता ही नहीं, नहीं हो सकता। रेजिस्टर में और इंडक्टर के करंट में करंट का मैग्नीट्यूड सेम है, मैं एग्री करता हूँ, पर लेकिन वोल्टेज का फेस और करंट का फेस तो चेंज करो ना यार, साइन साइन ओमेगा टी नहीं बोल सकते ना तुम, वोल्टेज भी साइन ओमेगा टी बोल रहे हो, करंट भी साइन ओमेगा टी बोल, कैसे हो सकता है? फेस तो चेंज करो ना। नहीं, ओके, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये कौन सा सर्किट है बताओ? आरएल। चलो एनसीईआरटी के टॉपिक पे चलते हैं। आरएल सर्किट कैसे करते थे? ये करंट है, ये वी आर है, ये वी एल है, राइट? नेट वोल्टेज कहाँ आती थी बोलो? ये थी नेट वोल्टेज, और यहां पर क्या आता था? एंगल फाई। तो अगर नेट वोल्टेज को वो लिखता है वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो भाई करंट तो पीछे चलेगा ना, तो करंट होगा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई, फाई एंगल पीछे चलेगा, फाई का फेज डिफरेंस होगा आरएल में। तो कहीं भी ऑप्शन नहीं है फाई की फॉर्म में, तो छोड़ दो, डी ऑप्शन है, और फाई 90 तो हो नहीं सकता। सही है, ठीक है ना एक्सप्लेनेशन? तो इसका आंसर डी ही होगा, लेकिन क्यों होगा समझ में आ रहा है? क्योंकि एलसीआर सीरीज के अंदर नेट वोल्टेज और करंट में एंगल 90 नहीं होता, फाई होता, और फाई की फॉर्म में आंसर गिवन ही नहीं है, तो आंसर इसका डी मार्क करेंगे। नेक्स्ट थर्ड, तो क्वेश्चन है इस सर्किट में आपको ये एल सी और आर सीरीज में गिवन है, देखने में लगता नहीं क्योंकि वोल्ट मीटर का कोई फर्क तो पड़ता नहीं, वोल्ट मीटर दोनों के साथ कनेक्टेड है। तो एल सी आर सीरीज में, और वी की वैल्यू वी नॉट कॉस ओमेगा टी, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 2000 है, ओमेगा आ गया। अब आपको ये बताना है कि वोल्ट मीटर और करंट की रीडिंग क्या होगी। एक काम करते हैं, ओमेगा आ गया, आप ना एक्स एल निकाल लो, 10 आ गया, एक्स सी भी निकाल लो, 10 आ गया, तो एक्स एल एक्स सी के इक्वल है, तो रेजोनेंस आ गई। तो अगर एक्स एल एक्स सी के इक्वल है, तो वी एल भी वी सी के इक्वल है, तो इस वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आएगी? 0। तो कैंसिल हो जाएंगी वोल्टेज, तो आंसर एक तो 0 आएगा। फिर करंट क्या होगा इसमें? अब करंट निकालने के लिए क्या करेंगे? करंट विल बी इक्वल टू कौन सा एमीटर, क्या करंट मेजर करते हैं? आई आर एम एस। तो आई आर एम एस क्या होगा? वी आर एम एस बाय जेड। तो वी आर एम एस क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में वी नोट तो गिवन है 20, तो आप यहां से वी आर एम एस निकाल लेना, और जेड में एक्सएल एक्सी तो कैंसिल हो जाएगा, तो अकेला क्या बचेगा? आर करंट आ जाएगा। तो रेजोनेंस का सिंपल प्रॉब्लम है, हमने एनसीईआरटी के अंदर भी ऐसी प्रॉब्लम की थी। तो एक्सएल एक्सी के इक्वल है, तो वोल्टेज 0 कर देगा, और करंट तो आई आर एम एस निकालना ही है, वी आर एम एस बाई जेड से आए, और जेड आर के इक्वल रेजोनेंस का केस है। ठीक है यहां तक?
क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, एक टीवी सिग्नल जनरेटर है जिसमें सी और आर लगा हुआ है और ये वी आर एम एस गिवन है, तो आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन है, सर्किट इन द रेजिस्टिव ब्रांचेस 0.2 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस में क्या करंट 0.2 है करके देख लेते हैं। वी की वैल्यू दोनों में क्या रहेगी एग्जैक्टली सेम, क्योंकि पैरल कॉम्बिनेशन है, तो इसमें वी आर एम एस कितना है 200, 200 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 एम्पियर, तो पहली स्टेटमेंट तो पक्का गलत है। दूसरी स्टेटमेंट है, करंट इन द कैपेसिटर गिवन है, अब वी की वैल्यू कैपेसिटर में भी 200 लगेगी, वी सेम है, तो करंट कैपेसिटर में क्या होगा वी आर एम एस बाय एक्स सी, तो जब वैल्यूज पुट करेंगे आंसर 0.2 आएगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट है, ये भी चेक करना पड़ेगा, टोटल लाइन करंट इसके इक्वल है, टोटल करंट क्या होगा बोलो, टोटल करंट क्या होगा, इसका करंट और इसका करंट को ऐड कर दें, रेजिस्टर और कैपेसिटर के करंट को ऐड कर दें, नहीं कर दें, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, गलती मत कर देना। अगर ये पैरेलल है और एसी कनेक्शन है, अभी अभी डिस्कस किया था, फेजर पैरेलल में करंट फेजर से सॉल्व होएगा, जैसे सीरीज में वोल्टेज को ऐड नहीं करते वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी, हम क्या करते हैं सीरीज में नेट वोल्टेज निकालते हैं प्रॉपर मेथड से, ऐसे नेट करंट निकलता है वेक्टर से, तो इसमें एक रेजिस्टर एक कैपेसिटर, तो नेट करंट क्या होगा अंडर रूट ऑफ आई आर स्क्वायर प्लस IC square, तो ऐसे चेक करना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या किस टाइप से करंट निकलेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। नेक्स्ट फिफ्थ, तो क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स करंट वेव इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, एवरेज वैल्यू इस बार आई आर एम एस से निकालना है, इस बार एवरेज वैल्यू निकालनी है ओवर वन टाइम पीरियड, तो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला मैंने लिखाया था आपको, एवरेज वैल्यू टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम, करंट की वैल्यू को पुट कर दें अपॉन टोटल टाइम, तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म 5 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म 5 कॉन्स्टेंट है, साइन की इंटीग्रेशन सीधा जीरो आंसर देगी, और ये टी देगा, टी से टी कैंसिल, आंसर 5 है, तो इंटीग्रेशन से आंसर सॉल्व होना है, तो आपको ये मेथड लगाना है और इसकी क्या करनी है इंटीग्रेशन। वैसे इतना करने की जरूरत नहीं है, मैथ्स के लोग थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि एक कांस्टेंट करंट है और ये साइन है,
और आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है, एवरेज वैल्यू साइन की हमेशा क्या होती है, जीरो, तो ये आंसर तो क्या आने वाला है, जीरो, तो आंसर पांच ही बचेगा, सिंपल है, कुछ कर रहा ही नहीं है, इंटीग्रेट करके भी क्या करोगे, पता ही है कि इसकी इंटीग्रेशन आंसर क्या देगी, जीरो, तो पांच ही आंसर आना है, खत्म, ये ज्यादा बेटर है। ठीक, नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगेन नॉन मेडिकल वालों के लिए कहूँगा मैं इसे, आपको ना ये ग्राफ गिवन है और आपको इस ग्राफ को देखते हुए आपको वोल्टेज, वो कह रहा है वोल्टेज साइन ओमेगा टी की फॉर्म में गिवन है और फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट का गिवन है पाई बाय फोर, आपको करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है। इस ग्राफ को देखते हुए जो मुझे समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि अगर वोल्टेज साइन है, करंट अगर नीचे से स्टार्ट हो रहा है तो नीचे से स्टार्ट होने वाला हमने एनसीईआरटी में किया था माइनस कॉस होता है और माइनस कॉस किस में आता है, इंडक्टर में, तो आंसर में कैपेसिटर नहीं आएगा, आंसर में आर के साथ इंडक्टर आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी या डी में से आंसर होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो ये हो गया, दो तो उड़ गए, एनसीईआरटी का फेजर याद करो, इंडक्टर में नीचे से स्टार्ट होता था ग्राफ। अब प्रॉब्लम यह है कि आपको और कुछ वैल्यू गिवन नहीं है इसमें, सिर्फ टेन फाइव गिवन है, आपको हिट एंड ट्राई लगाना पड़ेगा। कैसे, आप इस क्वेश्चन में काम करें, टेन फाई का फॉर्मूला लिख लें, ऑप्शन में हिट एंड ट्रायल शुरू कर दें। कैसे, जैसे पहली दो ऑप्शन में आर और सी की वैल्यूज गिवन है, दूसरी दो ऑप्शन में आर और एल गिवन है, ए और बी तो चलो मैंने लिया ही नहीं, लेना ही नहीं है मुझे, पर अगर लिया जाए, अगर आप ए और बी ऑप्शन में हिट एंड ट्रायल करना भी चाहते हैं तो एक्स एल को जीरो कर दें ए और बी ऑप्शन में, क्योंकि क्या गिवन है, सिर्फ आर और सी ही गिवन है, एल तो एल की तो बात ही नहीं हो रही, तो एक्स एल को इसमें क्या कर दें, जीरो पुट कर दें। एक्स एल को जीरो पुट करेंगे तो टेन ऑफ पाई बाय फोर क्या आएगा, सिर्फ एक्स सी बाय आर, तो एक्स सी किसके इक्वल आ जाएगा, आर के, तो एक्स सी आर का मतलब वन बाय सी ओमेगा आर। तो अब आप हिट एंड ट्रायल से आर और सी की वैल्यू लेफ्ट और राइट पे पुट करें, अगर इन दोनों में से कोई ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया तो आंसर है, नहीं तो दोनों चला जाएगा। अब जैसे मुझे लग रहा है कि आंसर आर और एल में होगा, आर और एल के लिए आप एक काम करें, इसमें एक्स सी हटा दें, हटा दें, तो एक्स एल किसके इक्वल है, आर के, यानी कि एल ओमेगा किसके इक्वल है, आर के, तो एल पुट करें, ओमेगा पुट करें और आर पुट करें, लेफ्ट और राइट जिस भी ऑप्शन के साथ सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा, आंसर डी होगा। मेडिकल में तो नहीं आएगा, और वैसे बता रहा हूँ नॉन मेडिकल में भी नहीं आएगा वैसे, बट एक आइडिया बता रहा हूँ कि कैसे कॉन्सेप्ट इसमें सॉल्व किया गया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मिनिमम वैल्यूज गिवन है, सारी वैल्यू तो आर और एल की कहाँ गिवन है, ऑप्शन में, तो ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा, और ऑप्शन नहीं आपके पास करने के लिए। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि आपको लॉजिक क्या लगाना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में, एल सी और आर किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल, और आपको क्या निकालना है, पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालना है, पीक करंट का मतलब आई नॉट निकालना है। बताओ आई नॉट होगा क्या, वी नॉट डिवाइडेड बाई जेड होगा, V0 by Z होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने 1 by Z का फॉर्मूला किया था, क्या किया था, 1 by R square, चेक कर लेना प्रोजेक्टर, 1 by XL minus 1 by XC का होल स्क्वायर। तो यहां से 1 by Z की वैल्यू क्या आएगी, 1 by R का स्क्वायर प्लस 1 by L ओमेगा माइनस C ओमेगा का होल स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि 1 बाय जेड में स्क्वायर जब राइट साइड पे जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। इस 1 बाय जेड को यहां पुट कर लेना है, ए बी सी में से ऑप्शन मार्क नहीं करना, इसमें आएगा नहीं, आंसर डी आएगा इसका। और मेथड समझ में आ रहा है क्या करना है, तो पैरेलल के अंदर 1 बाय जेड का फॉर्मूला बनाना है, पहले फॉर्मूला आपने याद कर रखा है लास्ट टाइम के लेक्चर से, उस 1 बाय जेड को यहां पुट कर देना, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक, यहां मिल नहीं रहा आंसर, तो डी आंसर रहेगा इसमें।
क्लियर है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक है। यहाँ तक फॉर्मूला याद आ रहा है ना, एलसीआर इन पैरेलल का, देखो थ्योरी तो करनी थी बताया था, पैरेलल में फॉर्मूला ही करना है, बस फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट सेवन्थ के बाद क्वेश्चन नंबर एट्थ, वी आर गिवन है, वी एल गिवन है, सोर्स की वोल्टेज निकालनी है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, दोनों सीरीज में है तो नेट वोल्टेज क्या होगी, वी आर और वी एल का होल स्क्वायर का अंडर रूट आंसर, ये तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर टेन फाइव निकालना है, नहीं ए और बी है ना दोनों, और भी ऑप्शन है, टेन फाइव भी निकालना पड़ेगा, वी एल माइनस वी सी बाई आर से, वी सी तो है नहीं तो वी एल बाई आर टू बाई सेवन डी, ए तो आ ही रहा है ना, बोथ ए एंड बी आर, अच्छा इसमें क्या बताना है, अच्छा रॉन्ग बताना है, ए आंसर आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है वैसे चेक करना, ए आंसर आ रहा है तो ए आंसर तो पक्का ही है इसका, फिर रॉन्ग नहीं है, और बी आंसर में क्या आ रहा है, बी में आ रहा है टू बाई सेवन, तो भाई इसका ए ही आंसर है बस, फिर डी आंसर नहीं होगा, इसका ए आंसर होगा, क्रॉस कर दो इसका ए आंसर करना, ठीक है समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो एट्थ के बाद क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, देखो इसके अंदर क्या क्वेश्चन गिवन है, एलसीआर पैरेलल में और आपको टोटल करंट का रिलेशन बताना है। सबसे पहला जिसको ये चैप्टर कम आता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसे नहीं किया वो 100% ये मार्क करके आएगा कि टोटल करंट आईआर आईएल और आईसी का सम होगा, गारंटी है, पक्की बात है, और छोड़ के भी नहीं आएगा क्वेश्चन, पक्का करो, और घर में ये भी कहेगा आके पेपर बढ़िया हो गया, आसान क्वेश्चन आया था, उसको ये नहीं पता कि उसको सॉल्व करना नहीं आया। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, फेजर लगेगा करंट में, तो करंट क्या होगा, आई आर आई सी और आई एल, तो नेट करंट जो होगा वो ये होगा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक हो गया, तो नेट करंट इसके इक्वल है। अब एक और ऑप्शन है, वो कह रहे हैं आई एल और आई सी का करंट मे बी ग्रेटर देन द टोटल करंट, क्या इंडक्टर और कैपेसिटर का इंडिविजुअल करंट टोटल करंट से ज्यादा हो सकता है, हो सकता है इसमें, क्यों हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर ये नेट करंट है, मैंने अपने मन से कुछ वैल्यूज ली हैं, जैसे करंट रेजिस्टर में 2 एम्पियर है, इंडक्टर कैपेसिटर में 10-10 एम्पियर है, तो टोटल करंट क्या आएगा, 10 और 10 कैंसिल, तो नेट करंट क्या आएगा, सिर्फ 2 एम्पियर, तो देखो इंडक्टर और कैपेसिटर का करंट रेजिस्टर से बड़ा हो सकता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, समझ में आ रहा है यहां तक, ये रूल समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो सकता है, जस्ट इमेजिनरी वैल्यूज के साथ मैंने प्रूव भी कर दिया इसे, ठीक। इस क्वेश्चन के अंदर एक कैपेसिटर इंडक्टर है, कैपेसिटर का करंट पता है और इंडक्टर का पता है, टोटल करंट कितना है भाई, इसको प्लस मत कर देना, फिर फेजर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, आईसी ऊपर आईएल नीचे, तो नेट करंट क्या होगा, बड़े करंट में से छोटे करंट को क्या कर देना है, माइनस, आंसर फेजर से करना है, इसे दो ही करंट्स हैं ऊपर नीचे, माइनस करेंगे आंसर आएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्टेज का, आपको क्वेश्चन ये ग्राफ गिवन है और इसमें ये बताना है कि करंट कैसे चेंज हो रहा है, प्योर इंडक्टर है। अब एक चीज नोट करने वाली है कि जो प्योर इंडक्टर होता है उसका वोल्टेज जीरो से स्टार्ट होती है साइन, इसने जानबूझ के क्या किया, इसमें यहां से स्टार्ट करने का मतलब यहां पर क्या आएगा, कॉस, कॉस आएगा, अगर कॉस आएगा तो वी इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी, तो इंडक्टर में करंट पीछे होता है वोल्टेज से बाय एन एंगल ऑफ 90, तो यहां पर क्या आएगा, माइनस पाई बाय 2। मैथ की प्रॉपर्टी है मेडिकल वालों के लिए कि अगर आप यहां पर माइनस कॉमन लें कॉस, तो कॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एंगल ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, माइनस बाहर नहीं आता, बाहर नहीं आता, साइन टैन में बाहर आता है, कॉस में नहीं आता, मेडिकल नॉन मेडिकल तो पता ही है क्या करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, साइन, और साइन का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, यहां से, तो ये ग्राफ बनेगा इसका, थोड़ा सा मैथ्स लगाना पड़ेगा आपको, ठीक। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इस क्वेश्चन को,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट है, हमने कर रखा है पिछली शीट का, इसकी जरूरत नहीं है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में सीरीज एल और सी सीरीज क्वेश्चन एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, अगर ओमेगा बहुत छोटा है, अगर ओमेगा छोटा है तो एक्सएल भी बहुत छोटा होगा अप्रॉक्सीमेटली जीरो, तो वीएल भी क्या होगा बहुत छोटा होगा अप्रॉक्सीमेटली जीरो, तो ऑप्शन नंबर बी देखते ही आ गया, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, तो वीएल ही जीरो है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर 8 है, वीआर है और 10 है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है सीरीज एलसीआर का, टोटल वोल्टेज 10 है और इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, तो यहां से वीआर कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये सिंपल एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, इसको करने की जरूरत नहीं है। जैसे 15th क्वेश्चन है, 15th क्वेश्चन में एसी वोल्टेज इसके इक्वल है वी नॉट कॉस ओमेगा टी, तो ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है, स्विच को ऑन किया, लेकिन ये एसी है डीसी नहीं है, तो एसी है, आपको ये बताना है कि करंट मैक्सिमम वैल्यू जीरो से मैक्सिमम वैल्यू कितनी देर में पहुंचा। आप मुझे ये बताओ कि अगर ये वोल्टेज है तो करंट की वैल्यू इसमें क्या होगी, अगर मैं मैथमेटिकली करूं तो करंट क्या होगा कोई बताएगा, 10 कॉस ऑफ कितना पाई बाय 2 टी, बोलो क्या प्लस पाई बाय 2, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर करंट आगे होता है वोल्टेज से बाय एंगल ऑफ पाई बाय 2, और अगर मैथ्स लगाएंगे तो यहां पर क्या आएगा माइनस 10 साइन ऑफ पाई बाय 2 इंटू टी, ये ग्राफ बनेगा, तो माइनस साइन कहां से स्टार्ट होता है, नीचे से स्टार्ट होता है। तो ये आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि अगर वोल्टेज ये है तो करंट ऐसा निकलेगा, मैथ्स लगा के निकलेगा, और माइनस साइन ऐसे स्टार्ट होगा। हालांकि मेडिकल वालों अगर नहीं भी कर पाए तो भी एक शॉर्टकट है मेरे पास, उसने पूछा नहीं है पर मैथ्स वालों को जल्दी समझ में आ रहा है। उसने कहा कि करंट जीरो से मैक्स कितनी देर में हुआ, तो कितनी देर में हुआ टी बाय 4 टाइम में हुआ, क्योंकि पूरा साइकिल जो है वो टी साइकिल का है, तो ये टी बाय 2 या टी बाय 4 में हुआ। मेडिकल ज़्यादा क्या कर लेगा, अगर ये कॉस है इतना तो उनको समझ में आता है कि करंट साइन में आएगा, कैपेसिटर है साइन में, हद से हद वो क्या कर देंगे यही कर देंगे ना, तो भी आंसर तो उनका क्या रहेगा जीरो से मैक्सिमम आने का टाइम पीरियड टी बाय 4, चाहे ऊपर का ग्राफ बनाओ चाहे नीचे का बनाओ आंसर तो टी बाय 4 ही रहेगा। तो टी की वैल्यू क्या होगी 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा क्वेश्चन में गिवन है, ओमेगा टी से ओमेगा निकाल लेना आंसर आएगा। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर एक आर और सी सीरीज में गिवन है, और क्वेश्चन में पहले पार्ट में गिवन है कि आर एक्स सी के इक्वल है, इंपॉर्टेंट है 1 बाय सी ओमेगा का मतलब क्या है एक्स सी, तो आर एक्स सी के इक्वल है, और करंट की वैल्यू फर्स्ट केस में आई नॉट है, मैक्सिमम करंट आई नॉट है। क्वेश्चन है अगर मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की जगह ओमेगा बाय रूट 3 कर दूं तो मैक्सिमम करंट क्या होगा। अच्छा केस नंबर 1 करते हैं पहले, केस नंबर 1 में ये देखो आर एक्स सी के इक्वल है मानते हो, मैक्सिमम करंट वी नॉट बाय जेड होता है, जेड क्या होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, लेकिन एक्स सी तो आर है, तो ये टर्म आ गई, तो यहां से वी नॉट बाय आर इसके इक्वल आ गया। केस 1 क्लोज। केस 2 में ओमेगा ओमेगा बाय रूट 3 है, तो ओमेगा चेंज करने से आर को तो कोई फर्क पड़ता नहीं, किसे फर्क पड़ता है एक्स सी को फर्क पड़ेगा, तो ये ओमेगा बाय रूट 3 का मतलब ऊपर चला गया, तो रूट 3 टाइम्स एक्स सी हो जाएगा, ठीक है। तो नया करंट क्या आएगा वी नॉट बाय नई इंपेडेंस, इंपेडेंस में आर को फर्क पड़ता नहीं, एक्स सी डैश हो जाएगा, एक्स सी डैश रूट 3 एक्स सी है, इसे सिंप्लीफाई करके ये टर्म आएगी, इसमें वी नॉट बाय आर हम निकाल चुके हैं रूट 2 आई नॉट, सॉल्व करके आंसर आएगा आई नॉट बाय रूट 2, तो आंसर है इसमें आई नॉट बाय रूट 2, तो पी करंट आई नॉट बाय रूट 2 हो जाएगा।